हरियाणा के फतेहाबाद के सूर्य एनक्लेव में बीती 25 अक्टूबर को हुई घर में 17 लाख रुपए की चोरी के मामले में पीड़ित परिवार और सामाजिक संस्थाओं का एक प्रतिनिधिमंडल फतेहाबाद की आस्था मोदी से मिला और प्रतिनिधिमंडल के द्वारा इस मामले में जल चोरी के आरोपियों को पकड़ने की मांग की गई है। इसके बाद फतेहाबाद की एसपी ने चोरों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि कई बार सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर एसपी से मिल चुके हैं, लेकिन चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और पुलिस चोरों की धरपकड़ नहीं कर रही। इसके बाद अब शहर की सामाजिक संस्था और गणमान्य लोगों के द्वारा एक बड़ी मीटिंग करके इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पास शिकायत लेकर जाने का निर्णय लिया जाएगा। क्या आश्वासन मिला है जी? 25 अक्टूबर 2022 को प्रवेश नागपाल सूर्य एनक्लेव में चोरी हुई थी। हमारे भाई हैं, मैं शिवपुरी में सेक्टरी हूँ, राकेश नागपाल कैशियर है। पुलिस अधीक्षक इस मामले से ना लगातार बचने की कोशिश कर रही है। टाइम जितना लंबा होगा, आप खुद देखिए, आप जर्नलिस्ट लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, कि अगर 3 महीने चोरी नहीं मिलेगी, एक 20 लाख रुपए की रकम उनके पास है, 17 लाख की रकम है, 1.5 तोले सोना है और घड़ियां हैं, वो तो खा भी जाएंगे। उसके बाद हम चोरों का पकड़वा के करेंगे क्या? हमने कोर्ट कचहरियां थोड़ी भुगतनी है। पहला मकसद आदमी का ये होता है कि हमारे पैसे चोरी हुए हैं, हमारे बरामदगी कराओ। लेकिन मात्र बार बार आश्वासन देना, कभी ये कह देना कि पंचायत चुनाव में बिजी है पुलिस, पुलिस कहाँ बिजी होती है? पुलिस सारी चीजें व्यापक हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हो। उधर नेपाल में चुनावों की बात कह देना, अब आज हम मिले हैं तो एसपी ने कहा है कि नेपाल पुलिस हमें क्रॉस करने की इजाजत नहीं दे रही, तो इजाजत तो एसपी मैडम को लेनी पड़ेगी, चाहे इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय तक करें। अब आज सारे जो भाई आए हुए हैं, इन्होंने निर्णय लिया है अभी पंचनद सदन में एक बड़ी बैठक करके अनिल विज से भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी मिलेंगे। और क्या करेंगे, जब एसपी से रिजल्ट नहीं आएगा तो उसके बाद ये हम सब लोग जाके गृह मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। आज का क्या आश्वासन दिया मैडम ने? आज तो उन्होंने यही कहा है, हम ना नेपाल पुलिस से बार बार संपर्क कर रहे हैं, वो क्रॉसिंग की अनुमति नहीं दे रहे, और ये कह रहे हैं भी रुक जाओ, और उसकी कोई समय सीमा नहीं है। वो ये नहीं है भी आज 29-30 नवंबर है तो अभी ये 5 दिसंबर तक परमिशन मिल जाएगी, वो अगली 5 दिसंबर भी हो सकती है। तो मीटिंग करके बड़ा निर्णय लिया जाएगा, मीटिंग करके बड़ा निर्णय 100% लें।